Dear students, welcome to my online class. Today we are going to read an important poem of our syllabus, which is entitled as When You Are Old, written by W.B. Yeats. First of all, I'm going to share a few words about the author, that is W.B. Yeats. It means William Butler Yeats. William Butler Yeats, born in Dublin in 1865 and died in 1939. He was a great Irish poet. He is considered one of the great modern poets also. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1923. This poem is addressed to Morgan, the poet's beloved, whom he loved from the core of his heart, but always met with rejection. This poem deals with the theme of love and is taken from the rose addressed to Morgan. And this lyric is an expression of Yeats' intense emotions. Dear students, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे सिलेबस के एक इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है When You Are Old, जो W.B. Yeats ने लिखी है. Yeats born पैदा हुए डब्लिन में 1865 और उनकी वफात जो है डेथ जो होगी वो 1939 में होगी. वो बहुत ही अच्छे इरिश पॉइंट थे. उसको ये प्राइज अवार्ड ही जो ईट जो है उसको अवार्ड भी मिला गया था, नोबेल प्राइज भी मिला गया था. और उसने जो ये पोएम लिखी है जिसका नाम व्हेन यू आर ओल्ड है, ये उसके एक वो पोएम्स उनकी पोएम्स से ली गई है, जिन पोएम्स का नाम है, द बुक का नाम है रोज एड्रेसेड टू मॉर्गन, उसी से ली गई है. इसमें से उसने अपनी इमोशंस का इजहार किया है, अपनी इमोशंस एक्सप्रेस किए है इस पोइम में टुवर्ड्स हर ब्लाउड, दैट इज मॉर्गन. मॉर्गन जो थी वो एक मैरिड वमन थी और जो ये डब्ल्यू बी ईयर्स है, ही वॉज लविंग हर फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, बट मॉर्गन नेवर एक्सेप्टेड हिज लव. एंड दिस इन दिस पोइम, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द टेक्स्ट ऑफ दिस पोइम. Stanza first, that's when you are old and gray and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. These students, in these lines, the poet tells his beloved that one day she will become old, her hair will turn gray, she will feel sleepy and tired. All the time she will sit by the fire and nod drowsily. The poet says that she should then take up his book of poems. She should read those poems slowly and think deeply about them. They shall tell her about the poet's true love for her. The poet says that his poems shall also remind her about the days of her youthful beauty. She will then dream of the soft look her eyes had once. She will remember how deep and dark her eyes used to be. But all that will be a thing of the past when she grows old. In पहले स्टंजा में हमें जो पॉइंट W.B. Yeats हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने पहले भी आपको बोला कि ये जो पोइम है ये Yeats की एक्सप्रेशन टुवर्ड्स हर ब्लाउड है. ये उसके मॉर्गन के लिए ये पोएम लिखी गई है, उसने अपने ब्लाउड के लिए ये पोएम लिखी गई. पहले स्टंजा में इसको एड्रेस करके मुखातिब होकर इससे कहता है कि व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्री. ओल्ड एंड ग्री हियर मैंने अंडरलाइन किया है. ओल्ड एंड ग्री मीन जब आप बूढ़ी हो जाओगे और आपके बाल जब सफेद हो जाएंगे एंड फुल ऑफ स्लीप, तब आपको फुल ऑफ स्लीप मीन्स आपको नींद सी महसूस हो जाएगी, आपको कमजोरी सुस्ती महसूस हो जाएगी. फुल ऑफ स्लीप हियर मीन्स दैट जब आप मतलब कमजोर हो जाओगे, आप हमेशा नींद महसूस किया करोगी. वो नींद हम किस चीज के वजह, बुढ़ापे में हम हमेशा लेजी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं. सो इसने पहले बोला कि व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे, जब आप बूढ़े हो जाओगे आपके बाल सफेद हो जाएंगे और आप हमेशा क्या महसूस करोगी, स्लीप महसूस करोगी, नींद से महसूस करोगी. एंड नॉडिंग बाय द फायर, तो आप कहाँ बैठा करोगे, किसी अंगीठी. फायर हियर मीन्स कि आप किसी चूल्हे के पास बैठा करोगे, किसी अंगीठी के पास बैठोगे, जहां
गर्मी सेकने के लिए एंड नॉडिंग बाय द फायर. वहां क्या करो कि अपने सर को नॉडिंग हियर मीन्स डोजिंग या जिसको हम ओंगना बोलते हैं, अपने सर को हिलाती रहोगी किसी फायर प्लेस के सामने बैठ के. टेक डाउन दिस बुक. तो फिर इसी अपनी बुक ऑफ पोइम्स की तरफ इशारा करके यहाँ पे ये जो डब्ल्यू बी ईयर्स हम इशारा करते हैं कि अब तब ये मेरी पोइमों वाली जो नज्मों वाली मेरी किताब है तब ये आप उठाना एंड स्लोली रीड. फिर क्या करना और फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इस बुक को पढ़ना एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक्स. तो आपको ये किस चीज़ की याद दिलाएगी, जब आप सॉफ्ट लुक्स जब आपकी निगाहें सुरमई हुआ करती थी एंड ड्रीम आपको याद ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक्स आपको आपके बचपन की आपके जवानी की पूरी याद दिलाएगी. Your eyes had once and of their shadows deep. और वो सारी चीज़ें आपको याद दिलाएगी जब आप जवानी में थी, जब when you was in youth, तो आपकी आँखें जो थी वो बड़ी नशीली हुआ करती थी, वो सुरमई हुआ करती थी. वो मेरी जो ये नज़मों वाली किताब है तब ये आप उठाना और तुम्हें ये सारी चीज़ें आप ये उसको इसमें याद पूरी याद दिलाएगी. क्योंकि जो जो ये जवानी है बुढ़ापा जो होता है, क्योंकि इस बुढ़ापे में ये सारी चीज़ें नहीं मिल जाए, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते तो ये सब चीज़ें एक बीती हुई बात बन के रह जाती है. पर विलियम ब्रिटलर रीट्स जो है तो इसने अपनी बिलाउड की ये सारे यादें जो है वो अपनी पोइम्स में नोट करके रखी थी. सो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल टुडेज लेक्चर. इंशाल्लाह आई विल कम्प्लीट इट इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक्स लॉट्स.